ओह माय गॉड। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय चैनल ब्लॉग। तो गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड दोस्तों अभी जो है हम लोग चल रहे हैं चौक पे, तो आप सबको इस वीडियो में एक नया चीज़ देखने को क्या मिलेगा, तो मैं बता दूँ कि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको पकाया जाता है किस प्रकार से, झोंकुआ, जो कि पतलों को झोंक करके। तो इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे बनता है। चूल टाइप का होता है, आप लोग नहीं देखे होंगे मुझे पता है, तो मैं इस वीडियो में एक नया चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग जो है ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। अभी मैं घर पे हूँ और मैं खाना उन्हें खा के अब कंप्लीट हो गया, तो अब चल रहा हूँ चौक पे, तो आप सबको दिखाऊँगा और हम बनाएंगे, हम और पापा जी मिलकर के बनाएंगे कैसे वो बनता है, और फिर जो है झोंका जाता है उसके नीचे से और जो है पकता है बर्तन। और ये देखिए जो राजेश एक रिंग लाइट लाया है और ये उसका सेटअप है। तो फिर अभी हम चल रहे हैं चौक पे, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। एंड दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और चलिए अभी चलते हैं और आप सबको एक नया चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग चलिए। देखो ये जो है गाइज हमारा बाइक है और इससे जो है चलेंगे चौक पे, तो चलिए चलते हैं। हाय दोस्तों, तो अभी जो है हम चल रहे हैं दुकान पर और ये हम लोग का रोड नया बन गया है। देखिए इधर जो है जब हम लोग मुंबई से आए हैं तब तक ये रोड जो है बन करके नया तैयार हो गया है। देखिए कितना मस्त है, जो बाइक आराम से चलाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। वाह क्या मस्त हो गया है। तो दोस्तों अभी जो है फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौक पर और अभी जो है चल रहे हैं कपड़ों पर निकाल लें, उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है उसको करना है, आवा लगा उसको उगाड़ना है, फिर जो बताए हैं आवा कोड़ना है, झोंकने वाला बनाना है, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो चलिए दोस्तों अब जो है काम में लगते हैं, पाइंट निकाल दिए हैं और शॉर्ट पैंट काम कर रहे थे, शॉर्ट पैंट के करेंगे, हाफ पैंट पहन लिए हैं। और करना क्या है, तो आवा लगा उसमें से बर्तन निकाल करके उसको खाली करना है और फिर जो है उसको खोलना है, झोंकने वाला बनाना है। चलिए दिखाते हैं। ये देखो ये आवा दिख रहा है आप सबको, इसको खोल, इस सारी बर्तन को निकालना है और जो है इसको कोड़ना है। देखो तो गाइज देखो इधर जो है पूरा आवा खाली हो गया और जो है काला हो गया, इसको फिर से जो है पकाना पड़ेगा। इधर सब निकल गया, उधर जो है सब रखा गया और अभी जो है हम लोग इसको और इसमें से जो है राखी निकाल लेंगे और फिर वहाँ से जो है इसका कोड़ना स्टार्ट होगा, तो आप लोग देखते रहिए। दोस्तों अब जो है आज आवा नहीं कोड़ाएगा, आज दूसरा काम, ये जो है बहुत सारा काम है तो आज नहीं कोड़ाएगा। आज देखिए छोटा सा यहाँ पे आवा लगा रहे हैं दिया का, क्योंकि दिया नहीं है और कल जो है दिया देना है किसी को, और यहाँ पे गोरा निकला के आ गया और आवा लग जाएगा दिया का। देखो दोस्तों फाइनल जो है आवा लग गया और गाइज इसके कारण जो है आज यहाँ पे आवा नहीं खोनाया है, क्योंकि झोंकने वाला और यहाँ पे ही लग गया है और यहीं पे खोनाता इसलिए नहीं खोनाया है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि टाइम नहीं था, टाइम ना होने के कारण जो है आज नहीं खोनाया है। तो अभी चल रहे हैं गाइज खाना खाने, जो कि 3 बज चुका है और भूख भी लग गया। तो देखिए दोस्तों इतना जो है थोड़ा सा काम शुरू हुआ है आप लोग देख सकते हैं, और कल जो है इसका फाइनल काम होगा, आप लोग देखिए यहाँ पे, कल नहीं तो परसों जरूर होगा। तो दोस्तों आज है अगला दिन और अभी सुबह हो चुका है, तो आप सबको मैं बता दूं कि जो कल गड्ढा खुनाने वाला था वो नहीं खुना पाया, थोड़ा सा ही खुनाया, आप लोग देख भी किए हैं। और क्या है कि समय नहीं था और हम आदमी भी नहीं था, मतलब एक ही आदमी था, तो इसलिए नहीं खुना पाया। तो आप सबको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और डेली जो है मैं अब ब्लॉग रात को ही डालूँगा 7:30 में, तो आप सब जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और डेली अब मैं 7:30 बजे ही ब्लॉग डाल दूंगा। दोस्तों एक बार और बता दें कि 7:30 या 7 इसी टाइम में मैं ब्लॉग डालूंगा, 7 बजे या 7:30 में, मतलब 2 को टाइम है। तो अगर जिस टाइम पे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा डेली मैं उसी टाइम पे अपलोड करूंगा, और ब्लॉगिंग तो करता ही रहूंगा हमेशा। तो आप सब अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, संजय प्रजापति ब्लॉग है। और चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओह माय गॉड।